नमस्ते दोस्तों, डीबी रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हॉनर 7A का कैमरा रिव्यू। इसमें क्या है कि पोर्ट्रेट मोड है और पोर्ट्रेट मोड किस तरह से काम करता है। हमें बहुत सारे कमेंट आए कि पोर्ट्रेट मोड है या नहीं है और किस तरह से काम करता है। उसके लिए हमने एक वीडियो बना रहे हैं पोर्ट्रेट मोड के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी है, बैटरी परफॉर्मेंस भी अच्छी है इस फ़ोन की। मेन चीज़ फ़ोन ये क्या है, इसके प्राइस कम है और मेन चीज़ इसमें डबल कैमरा दिए हुए हैं, तो कैमरा कैसा है वो देखना हमें। चलाते हैं कैमरा। 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, साथ में 2 मेगापिक्सल का है। ये नॉर्मल फोटो था, ये पोर्ट्रेट मोड लिया इसका। फर्स्ट बोतल पे फोकस कर रहा हूँ, फोटो को खोल रहा हूँ। इसे पोर्ट्रेट मोड की सेटिंग देखेंगे किस तरह से काम करती है। फर्स्ट बोतल सही आ रही है, सेकंड बोतल पे हल्का सा फोकस है, लास्ट बैकग्राउंड सेकंड बोतल फोकस करता हूँ मैं, बैकग्राउंड में फोकस करता हूँ तो क्या होता है। लेकिन पोर्ट्रेट मोड में इफेक्ट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, जैसे कि होनर 9A में दिया हुआ है। पोर्ट्रेट मोड में जाते हैं अपन, साथ में है होनर 9i भी है मेरे साथ जिसमें पोर्ट्रेट मोड है। ये मैंने 9i का कैमरा चलाया है और 7A में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे, इसका मैं पोर्ट्रेट मोड चलाता हूँ। जो फंक्शन इसमें है वो इसमें नहीं है। 9i जो महंगा मोबाइल है, जिस जस्ट 18,000 का मोबाइल है, इसमें पोर्ट्रेट मोड है। पोर्ट्रेट मोड के साथ फिल्टर का भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें अपन बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये 7A में नहीं है। सेवन ए में ये फंक्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए एक बार और देखते हैं, बोतल को थोड़ा आगे पीछे करते हैं। ब्यूटी मोड है जो तो आप समझ जाएंगे। छोटा सा वीडियो बनाना है मुझे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। पोर्ट्रेट मोड को समझना है किस तरह से काम कर रहा है। बैकग्राउंड को कितना ब्लर करना है वो सेटिंग दी हुई है, इफेक्ट नहीं दिया हुआ है इसमें केवल। सेव किया है, अब मैं इसको जूम करूंगा। पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छा है इस फोन का, अच्छे से काम कर रहा है। सही रीड कर रहा है बिल्कुल ही। बैकग्राउंड को इसने पूरा ब्लर कर दिया और आप देख सकते हैं बोतल को बिल्कुल ही कटिंग नहीं है कहीं भी। फिर इफेक्ट में जाते हैं अपन इसके। जैसा कि आपको बता दिया है पोर्ट्रेट मोड के बारे में, ओवरऑल फ़ोन में और कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी मुझे जिससे कि आप फ़ोन को नहीं लेना चाहिए। फ़ोन को आप ले सकते हैं, इफ़ेक्ट थोड़े से कम है इसमें कैमरे के, बाकी फ़ोन की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत बेटर है। थैंक यू दोस्तों।